हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। अगर आपको एक ऐसा बैंक की तलाश है जिस बैंक में आप ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएं, आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने की जरूरत ना पड़े, साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आता है कि उनके पास खुद का पैन कार्ड नहीं होता है, तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है और आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ऑनलाइन, ताकि आपको ब्रांच जाने की जरूरत ना पड़े, आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी, वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको इंस्टेंट मिल जाए और आप अपने उस अकाउंट का यूज़ कर पाएं। इंस्टेंट आप कोई भी यूपीआई ऐप्स यूज़ कर पाएं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एचडीएफसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आप किस तरह से एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एचडीएफसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहां पर क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। वीडियो आज का ये काफी यूजफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बेस्ट बैंक है, और अगर आप इस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको एचडीएफसी बैंक के इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होकर के एचडीएफसी बैंक के इस पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे तो एचडीएफसी बैंक में जितने भी तरह के सेविंग अकाउंट ओपन किए जाते हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का ये रेगुलर सेविंग अकाउंट है जो कि ये ऑनलाइन ओपन किया जाता है। सेविंग मैक्स अकाउंट हो गया जो कि ये भी अकाउंट आप ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे सेविंग्स अकाउंट के बारे में बताया गया है। अगर आप वुमेन हैं तो आप वुमेन सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ये सेविंग अकाउंट भी आप ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डीजी सेव यूथ सेविंग अकाउंट है, ये अकाउंट भी आप ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हैं। अगर आप यूथ हैं, युवा हैं, तो आप ये अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है, ये अकाउंट भी आप ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हैं। सेविंग फार्मर अकाउंट है, अगर आप किसान हैं, फार्मर हैं, तो आप ये वाली सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सुपर किड्स सेविंग अकाउंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप चिल्ड्रेन हैं, आपका एज 18 साल से कम है, आप माइनर हैं, तो आप ये सुपर किड्स सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो किड्स एडवांटेज सेविंग अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट भी बच्चों के लिए है, जिसका एज 18 से कम है तो वे ये वाली सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे सेविंग्स अकाउंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो आपको यहाँ से ये सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस टाइप का सेविंग अकाउंट ओपन करना है। इसके अलावा और जितने भी सेविंग्स अकाउंट है उसके नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नो मोर का। जब आप नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस सेविंग अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा वो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा ये अकाउंट आप वहां से ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से और जितना भी सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में ओपन किए जाते हैं, चाहे वो किड्स सेविंग अकाउंट हो, सुपर किड्स सेविंग अकाउंट हो, या फिर किड्स एडवांटेज अकाउंट हो, तो सभी सेविंग्स अकाउंट के नीचे में आपको नो मोर का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि इस सेविंग अकाउंट में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा उसके बारे में आपको कुछ डिटेल यहां पर भी देखने को मिल जाएगा, यहां पर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो इस सेविंग अकाउंट में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा वो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा आप वहां से ये अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां से ये सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करना है, या फिर सेविंग मैक्स सेविंग अकाउंट आपको ओपन करना है, वुमेन सेविंग अकाउंट ओपन करना है, या फिर डीजी सेव यूथ सेविंग अकाउंट आपको ओपन करना है, सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करना है, फार्मर अकाउंट ओपन करना है, स्पेशल गोल्ड एंड स्पेशल प्लेटिनम ये वाली अकाउंट आपको ओपन करना है। अगर आप माइनर है तो आप ये वाली सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, माइनर है तो माइनर के लिए ये वाली भी किड्स एडवांटेज अकाउंट भी है, ये भी आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जितना भी सेविंग अकाउंट है सभी सेविंग्स अकाउंट में आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करके रखना ही होगा, लेकिन ये वाली जो सेविंग अकाउंट है ना, थोड़ा से नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो है बीएसबीडीए सेविंग अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट, ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। अगर आप ये वाली सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक जीरो बैलेंस के साथ हम एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करें, तो आप ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये जो बीएसबीडीए सेविंग अकाउंट है, ये अकाउंट आप ओपन
कर सकते हैं। इस अकाउंट में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा उसके बारे में कुछ डिटेल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप यहाँ पर नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप वहां से देख सकते हैं कि इस अकाउंट में आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ से कोई भी एक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे अभी ओपन करना है। तो हम यहाँ से बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये वाला जो BSBDS सेविंग अकाउंट है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यही सेविंग अकाउंट मान लीजिए मुझे ओपन करना है। आपको बता दें कि यहाँ पर जितना भी सेविंग अकाउंट आप देख रहे हैं, अगर आप इनमें से कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस लगभग सेम ही है। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस स्टेप को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे अभी ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना है, ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है। तो ये अकाउंट ओपन करने के लिए हम यहाँ पर नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद जैसे ही हम वहां पर नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक किए हैं, हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच गए हैं जहां पर BSBDS सेविंग अकाउंट जो है इसमें मुझे क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या कहां पर किसका कितना मुझे चार्जेस पे करना होगा, उन सब के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में सब कुछ यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस अकाउंट में मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या क्या फीचर्स मिलेगा, इसका एलिजिबिलिटी क्या है और किस चीज का कितना फीस एंड चार्जेस मुझे पे करना होगा। फीचर्स की अगर हम बात करें, आप यहाँ से फीचर्स देख सकते हो, एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, फीस एंड चार्जेस के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम फीचर्स की बात करते हैं कि इस अकाउंट में मुझे क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाएगा। फ्री पासबुक फैसिलिटी यहाँ पर में है, पासबुक आपको यहाँ पर दिया जाएगा अगर आप ये अकाउंट ओपन करते हैं तो। इंजॉय फ्री कैश डिपॉजिट ब्रांच एंड ATM, आप किसी भी ATM मशीन से जहां पर कैश डिपॉजिट किया जाता है आप उस ATM मशीन से अपने इस अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, उसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके अलावा अगर आप ब्रांच विजिट करके कैश डिपॉजिट करते हो अपनी सेविंग अकाउंट में तो आपको उसका भी कोई भी चार्जेस देखने को नहीं मिलेंगे। एक्सेस योर अकाउंट विथ योर फ्री रुपे कार्ड, यहाँ पर जो आप ये अकाउंट ओपन करेंगे BSBDS सेविंग अकाउंट, तो इसमें आपको रुपे डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाएगी जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और आप उस डेबिट कार्ड के थ्रू इंडिया के किसी भी बैंक के ATM मशीन से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको कार्ड दिया जाएगा डेबिट कार्ड, तो उसमें आपको मंथ में 4 ATM ट्रांजेक्शन आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई अदर चार्ज कैश विड्रॉ करते हैं 4 से ज्यादा बार तो उसका आपको कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने की जरूरत पड़ेंगे। NEFT की फैसिलिटी मिल जाएगा, RTGS आपको देखने को मिल जाएगा, IMPS का भी सुविधा आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। साथ ही यहां पर आपको पर एनम आपको 25 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, इसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। साथ ही आप इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लाइफ टाइम आप बिल पे कर सकते हो, उसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। फ्री ईमेल स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी सुविधा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम फीस एंड चार्जेस की बात करें कि इस अकाउंट में मुझे कितना बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा, तो यहाँ पर फीस एंड चार्जेस के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम ये BSBDS सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो मिनिमम एवरेज बैलेंस जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है वे 0 है, नील है। यहाँ पर कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। साथ ही नॉन मेंटेनेंस, आपको किसी भी तरह का मेंटेनेंस चार्ज आपको यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको और अदर कोई चार्जेस फी के बारे में आपको जानना है तो वे आप यहाँ से देख सकते हैं। अब अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और सबसे पहले ना आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। जो भी अकाउंट आपको ओपन करना है आप उसके नीचे में यहाँ पर आपको नो मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप जो भी सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। अब जैसे ही आप वहां पर नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। अब उस अकाउंट में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा उन सब के बारे में आप यहां से देख सकते हो, एलिजिबिलिटी के बारे में, फीस एंड चार्जेस के बारे में। अकाउंट ओपन करने के लिए जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो ऊपर में, सबसे ऊपर में ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आधार वीडियो KYC इंस्टेंट अकाउंट का। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर आधार वीडियो KYC इंस्टेंट अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, सबसे पहले आपको अपने इस फॉर्म को फिल करना है और यहां पर आपको कौन कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है उन सब के बारे में यहां पर में बताया गया है।
सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी योर सेल्फ, आपको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको फिल करना है, प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, अपना इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लीज प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा, जो भी मोबाइल नंबर आप HDFC बैंक के साथ लिंक करना चाहते हैं, अपना एक मोबाइल नंबर आप इस बॉक्स में यहाँ पर में फिल करेंगे, और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, डेट यहाँ पर, मंथ यहाँ पर और ईयर यहाँ पर। मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट नाउ का जो ये ऑप्शन है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर, मिस या फिर मैक्स, जो भी आपका टाइटल होगा टाइटल आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, और जो भी आपका फुल नेम होगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट पर आपका फुल नाम होगा, आप अपना फुल नेम इस बॉक्स में यहाँ पर में फिल करेंगे, और इसके बाद यहाँ से गेट OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने वहां पर जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर में एक OTP सेंड किया जाएगा SMS के थ्रू HDFC बैंक की तरफ से। आप अपना OTP कोड को इस बॉक्स में यहां पर फिल करेंगे, और इसके बाद सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप KYC किस माध्यम से करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, आपको ब्रांच विजिट करके KYC कंप्लीट करने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर आप ऑनलाइन ही अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं। आप आधार कार्ड के माध्यम से KYC कंप्लीट करना चाहते हैं, या फिर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट के माध्यम से KYC कंप्लीट करना चाहते हैं, वे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट को भी सेलेक्ट करके यहाँ पर KYC कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा, चाहे तो आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे या फिर यहाँ पर आप दूसरा डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज आ जाएगा, चाहे तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज रखना है आप अपना लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करोगे। इसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, और यहाँ पर नीचे में आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना होगा, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा वे आप इस बॉक्स में फिल करेंगे। अगर आप वहां पर कोई अदर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा तो जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट का नंबर आप यहां पर फिल करेंगे। इस बॉक्स में टिक लगा करके आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, और इसके बाद यहां से गेट OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर में आधार वेरिफिकेशन के लिए एक OTP कोड सेंड किया जाएगा। आप अपना OTP कोड को इस बॉक्स में यहाँ पर में फिल करेंगे, और इसके बाद यहाँ से वेरीफाई eKYC का जो ऑप्शन है आप यहाँ पर वेरीफाई eKYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से आपका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है, जैसे कि आपका नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, वे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड से ले लिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा, जैसे कि आपको अपना सिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपका कंट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप टिक लगा करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट होगा, जो भी आपका सिटी होगा आप अपना सिटी यहाँ से सेलेक्ट करोगे, और इसके बाद HDFC बैंक के कौन से ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप अपना ब्रांच यहां से सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ब्रांच में आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करके यहां से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा। नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ से आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है कि आपको किस टाइप का अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो सेविंग्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। एक कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हैं सैलरी अकाउंट पर क्लिक करेंगे। करेंट अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हैं करेंट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो मुझे सेविंग अकाउंट ओपन करना है, सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आप क्या काम करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जो भी आप वर्क करते हैं, जैसे कि आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन है, सर्विस प्रोवाइडर है, या फिर स्टूडेंट है,
अनएम्प्लॉयड है, तो जो भी आप हैं वे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप क्या काम करते हैं। अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल आईडी फिल कर देना है, जो भी आप ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं जिस पर में आपको ईमेल स्टेटमेंट सेंड किया जाएगा, आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। आपका एनुअल इनकम कितना है, आप साल में कितने कमाते हैं, जो भी आपका एनुअल इनकम होगा वे आप इस बॉक्स में यहाँ पर में फिल करेंगे। अपना एनुअल इनकम यहाँ पर फिल करने के बाद इस साल आपको सोर्स ऑफ फंड आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो इनकम आता है वे इनकम कौन सा माध्यम से आता है। इसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर होगा आप अपना पैन कार्ड के नंबर इस बॉक्स में यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप विदाउट पैन कार्ड भी इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर पैन नॉट अवेलेबल का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको टिक लगा देना है, आपको पैन कार्ड के नंबर फिल करने का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन कैटेगरी आपका सेलेक्ट करना है कि जो भी आप काम करते हैं उसका कैटेगरी क्या है। जैसे कि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल मैंने सेलेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पर उसका कैटेगरी हमसे पूछा जाता है। आप जो भी वर्क यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसका कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे में आपको कुछ ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा कि आप इंडिया के रहने वाले हैं, इसे यहाँ पर यस कर देंगे। आप इंडिया में टैक्स पे करते हैं, इंडिया के टैक्स पेयर हैं, यहाँ पर इसे भी आप यस कर देंगे। और इसके बाद ये पूरा इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप सिंगल हैं या फिर आप मैरिड हैं। यहाँ पर आपको अपने फादर का फुल नेम आपको एंटर कर देना है, जो भी आपके फादर के फुल नेम होगा। यहाँ पर आपको अपना मदर के फुल नेम एंटर करना है इस बॉक्स में, जो भी आपके मदर के फुल नेम होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर इसे टर्न ऑफ कर देंगे। करना चाहते हैं नॉमिनी ऐड तो यस करके, और नीचे में यहाँ पर आप नॉमिनी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर में फिल करेंगे, जैसे कि नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, रिलेशन टाइप आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। नॉमिनी का फुल नेम आप यहां पर इस बॉक्स में यहां पर फिल करेंगे। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहां पर फिल करेंगे, डेट मंथ और ईयर। नॉमिनी का एड्रेस क्या है, एड्रेस आप पूरा यहां पर भी फिल कर देंगे, एड्रेस लाइन 1-2 लैंडमार्क पिन कोड यहाँ पर और सिटी स्टेट के नेम यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है तो इस केस में आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देना है, आपको अलग से एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉमिनी बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसे टर्न ऑफ कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू नॉमिनी ये जो ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा इन्फॉर्मेशन को हम फिल कर देंगे और इसके बाद ना नीचे में यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन और देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके पास एलजी कोड वगैरह है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। इन तीनों बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन ऊपर में फिल करके यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, दोनों बॉक्स में आपको टिक लगा करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है और इसके बाद ना यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर आपको इस अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा उस सब के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, तीनों बॉक्स में ना टिक लगा करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है और इसे यहाँ से आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फाइनली आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे ही आप यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कंप्लीट करने की भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कंप्लीट कर भी सकते हैं या फिर आप विदाउट KYC भी अपने इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें अगर आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कंप्लीट KYC नहीं करोगे तो जो आपका पासबुक रहेगा, जो आपका चेकबुक रहेगा, फिजिकल डेबिट कार्ड रहेगा, वो आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड नहीं की जाएगी, सिर्फ आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाए तो आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आपका वीडियो KYC हो जाता है यहाँ पर आपका जो वेलकम किट रहेगा जिसमें आपका पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, वे आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट 7 डेज के अंदर में सेंड
कर दी जाएगी। आई होप आप सब कुछ क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी कारण से हम आपके क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ना दे पाए, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।